जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल रात को दोस्तों मैं 5 TWS के बारे में बताया हूं, जिन्हें आप 5,000 रुपए के अंदर में खरीद सकते हो। वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है वीवो के तरफ से। वन प्लस, ओप्पो, ये सब तो ट्रेडमार्क करवा लिए थे इंडिया में, लेकिन अब वीवो भी ट्रेडमार्क करवा लिया है कि वो दोस्तों अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ड्राइवरलेस कार्स, इन सारे दोस्तों व्हीकल्स को इंडिया में भी लॉन्च करेगा। आज ट्रेडमार्क करवा लिया इंडिया में, तो यार अब वीवो के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं इंडिया में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है। मैं दोस्तों आपको दो हफ्ते से बताते हुए आ रहा हूँ ना कि मोटोरोला अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी वाले फोन के ऊपर काम कर रहा है। आज दोस्तों पता चल गया है वो मोटो एज एक्स 30 ही है। मोटो एज एक्स 30 जो 9 तारीख को लॉन्च हो रहा है, उसका एक और वेरियंट 9 तारीख को लॉन्च किया जाएगा उसी लॉन्च इवेंट में, जो दोस्तों अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। अब देखते हैं ये इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मोटो एज एक्स 30 आएगा जनवरी के एंड तक, वो इंडिया में आ जाएगा। कल आपको मैं बताया था, अब इसके बारे में कुछ नए इन्फॉर्मेशन आने तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जहां तक मुझे पता चला दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम रहेंगे, बस वो जो दूसरा वाला है ना वो अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ आ जाएगा। 9 तारीख तो ज्यादा दूर नहीं है यार, वीडियो मिल जाएगा, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा व्हाट्सएप की तरफ से। मैं आपको दोस्तों करीबन एक महीने पहले बताया था ना कि व्हाट्सएप बीटा टेस्टिंग में डिसअपीयरिंग मैसेजेस के अंदर में दो नए ऑप्शंस को ऐड कर रहा है, एक 24 घंटे का होगा, एक 90 दिन का होगा। वो दोनों जो ऑप्शंस है अब स्टेबल वर्जन पे रोल आउट होना चालू हो गए हैं, तो व्हाट्सएप को जाके अपडेट करो और अपने डिसअपीयरिंग मैसेजेस के दो नए ऑप्शंस को पा लो। 24 घंटे में आपका जो मैसेज है वो गायब हो जाएगा, नहीं तो 90 दिन में गायब होगा, आपको दो नए ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। OnePlus 9RT के साथ दोस्तों इंडिया में OnePlus अपना एक नया नेकबैंड भी लॉन्च करेगा। जो 16 तारीख का डेट आया है, शायद उसी दिन OnePlus 9RT अगर लॉन्च हो गया तो एक नेकबैंड को भी वो लॉन्च करेगा, और OnePlus Bud G2 भी उसी दिन लॉन्च होंगे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। जीमेल हम सब लोग यूज करते हैं, जीमेल में दोस्तों आज दो नए फीचर्स को ऐड कर दिया गूगल, जो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं। जीमेल पर दोस्तों अब से आप वीडियो कॉलिंग भी कर लोगे और वॉइस कॉलिंग भी कर लोगे। जाओ जीमेल ऐप को अपडेट करो और ये दो नए फीचर्स का मजा उठाओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi 12 Pro की तरफ से। आज ये 3C सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है, 120 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा, चार्जर तो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही ऑसम है। Realme GT 2 Pro का दोस्तों जो लॉन्च डेट होगा ना वो 9 तारीख को Realme अनाउंस कर देगा, पोस्टर्स आ चुके हैं। तो 9 तारीख को Moto Edge X 30 लॉन्च हो रहा है, उसी दिन Realme अपने Realme GT 2 Pro का लॉन्च डेट अनाउंस करेगा, जो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। एंड मेरे को लगता है कि दिसंबर एंड तक ही ये लॉन्च होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक तक नहीं जाएगा, क्योंकि माधव सिरसर भी टीज किए थे कि दिसंबर में हम मिलेंगे, तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि GT 2 Pro दिसंबर में ही लॉन्च हो जाएगा। देखते हैं यार, कुछ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus 10 सीरीज की तरफ से। OnePlus 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स अब हैदराबाद में आ चुके हैं, हैदराबाद में उनके ऊपर कुछ टेस्टिंग वगैरह किया जाएगा। इसका मतलब कि दोस्तों हम लोगों को कुछ ही दिन में OnePlus 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वाले इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं, कुछ अच्छे अच्छे लाइव इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। कुछ अगर नए इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी सैड है। जो सोनी के कैमरास हैं, अगर आप कोई भी सोनी के कैमरास को परचेज करने का प्लान कर रहे थे तो अब से दोस्तों शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकता है, क्योंकि सोनी के जो दोस्तों कैमरास के प्रोडक्शन है थोड़े से कम हो गए हैं, डिमांड बहुत ही ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। किस लिए? चिप शॉर्टेज के चक्कर में। चिप शॉर्टेज के चक्कर में आपको अगले साल, अभी तो इसी महीने से आपको ये दिक्कतें महसूस होने लग जाएंगी, लेकिन अगले साल में सोनी के कैमरास आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे चिप शॉर्टेज के चक्कर में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही क्रेजी है। ओप्पो का इन्नो डे होने वाला है, 14 तारीख से शुरू हो जाएगा। उस दिन दोस्तों ओप्पो अपने बहुत सारे नए नए कैमरा टेक्नोलॉजीज और नए नए टेक्नोलॉजीज को भी अनवील करेगा, उनके बारे में बताएगा। तो एक नया दोस्तों कैमरा मॉड्यूल सामने आ गया, देख लो यार, रिट्रैक्टेबल कैमरा इसको ओप्पो कह रहा है। अब ये दोस्तों एक नया कैमरा टेक्नोलॉजी है, जहां पर आपको 1.56 इंच का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, 50mm का फोकल लेंथ होगा। अब देखते हैं भाई इसका एक्चुअल क्या काम है, ये क्या कर सकता है, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक टीजर आ गया है और ये ऑल टुगेदर एक नया स्मार्टफोन भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है ये एक कॉन्सेप्ट फोन
फोन है जिसके बारे में हम लोगों को बताया जाएगा, एक नए टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। 14 तारीख को सब पता चलेगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे आपको देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है पबजी न्यू स्टेट की तरफ से। पबजी न्यू स्टेट को दिसंबर के 9 तारीख को एक बहुत ही बड़ा अपडेट मिलने वाला है, जहां पर आपको बहुत सारे नए नए गन्स देखने को मिलेंगे, नए नए व्हीकल्स को ऐड कर दिया जाएगा, नया रॉयल पास होगा और बहुत सारे बग्स को भी दोस्तों फिक्स कर दिया जाएगा। अगर आप दोस्तों और भी जानना चाहते हो तो सामने आपको पैच नोट्स दिखा दे रहा हूँ, देख लो यार, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अपडेट कर लेना गूगल प्ले स्टोर पर जाके, एंड्रॉइड और iOS दोनों में दोस्तों ये अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा दिसंबर के 9 तारीख को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi Note 11 4G की तरफ से। मैं दोस्तों चाइना वाले Redmi Note 11 4G की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हमारे इंडिया में नया Redmi Note 11 सीरीज आएगा ना, उसके अंदर में आपको Redmi Note 11 4G भी देखने को मिलेगा। जो दोस्तों ये Redmi Note 11 4G है ना, आपको जनवरी में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। अब देखते हैं ये कौन सा स्मार्टफोन होता है, कैसा दिखाई देता है, कैसे स्पेक्स प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे नए नए इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। Redmi Note 11 4G भी आ रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि Redmi Note 11 5G नहीं आएगा, वो भी आएगा। मेरे को लग रहा है कुछ कुछ स्मार्टफोन्स के 4G वेरिएंट्स भी निकालेंगे Note 11 लाइनअप में, समझ गए ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Realme की तरफ से। Realme का दोस्तों एक ऑल टुगेदर नया स्मार्टफोन है जो 10S सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया, देख लो यार आपको ऐसा दिखाई देगा। देखने में बिल्कुल Realme GT Neo 2 के जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर के स्पेक्स बदल दिए गए हैं। ये स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगा और आपको अगले साल के फरवरी एंड तक दिखाई देगा, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन पता चले हैं, और ये Realme GT सीरीज का स्मार्टफोन होगा। अब देखते हैं कुछ और अगर पता चलेगा तो बताऊंगा। मुझे जहां तक लगता है ये Realme GT Neo 2 का सक्सेसर होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Realme 9i के तरफ से। इसके रेंडर्स आ चुके हैं, लेकिन इस बार दोस्तों ऑन लीक्स क्रिएट किया है, देख लो यार। इसका मतलब Realme 9i वाकई में ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल Realme GT Neo 2 के जैसे दिखाई देगा, लेकिन जो कैमरा हाउसिंग है उसमें से एक फ्लैश लाइट को गायब कर दिया गया है। तो यही बस इसका दोस्तों अंतर है, बस यही अंतर है Realme GT Neo 2 में और Realme 9i में। कुछ और अगर पता चलेगा तो बताऊंगा। वैसे तो आज रात को डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, स्टे ट्यून करिएगा, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है ना। वैसे सारे स्पेक्स तो आपको मैं बता ही दिया हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Oppo Reno 7 Pro की तरफ से। इसका दोस्तों एक स्पेशल एडिशन आज चाइना में लॉन्च हो गया है, Oppo Reno 7 Pro लीग ऑफ लेजेंड्स स्पेशल एडिशन। केवल एक ही रैम वेरिएंट पे लॉन्च किया गया 12 to 56, जिसका प्राइस है 47,400 रुपए, 47,400 रुपीज। वैसे अगर आप Oppo Reno 7 से इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो तीनों स्मार्टफोन्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूं मैं, अनबॉक्सिंग भी दिखाया हूं, आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ अच्छे से बताया हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है, मैं आपको कल के टेक न्यूज़ में बताया था ना कि OnePlus Nord 2 पे आपको बहुत अच्छा बैंक ऑफर मिल रहा है, ICICI बैंक की तरफ से मिल रहा है। आज OnePlus के और भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं जिनमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। OnePlus 9 Pro में आपको 5,000 रुपए का ऑफर मिल रहा है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे या फिर कोई भी कार्ड यूज करोगे ICICI बैंक का, ठीक है ना। और इसके बाद OnePlus 9 का भी दोस्तों आपको 8,000 रुपए कम देखने को मिल जाएगा अगर आप ICICI बैंक का कोई भी कार्ड यूज कर लोगे। OnePlus Nord CE में भी यही ऑफर है, 1,500 रुपए का आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप दोस्तों OnePlus 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स को परचेस करने का प्लान कर रहे थे। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जाके परचेस कर लो, और आपको एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा जिसके अंदर में आपके थोड़े और पैसे कम हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे दाम में आप खरीद लोगे OnePlus 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo की तरफ से। Vivo का दोस्तों एक नया स्मार्टफोन है जो 10S सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है, देख लो यार आपको ऐसा दिखाई देगा। मुझे मालूम है यही सेम डिजाइन के साथ Vivo भी अपने एक और स्मार्टफोन को ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, लेकिन Vivo का यही तो स्टाइल है, डिजाइन वही रहता है लेकिन स्पेक्स अलग हो जाते हैं, नाम अलग हो जाता है। इसका नाम क्या है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन स्पेक्स बाहर आ गए हैं। 6.51 इंच का HD+ AMOLED डिस्प्ले दे देगा, 13+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 8 का सेल्फी चार्ज, 910mAh का बैटरी यानी कि 5000mAh का बैटरी, 10W का चार्जर। प्रोसेसर कौन सा है अभी नहीं पता चला है, जैसे पता चलेगा, इसका नाम जैसे पता चलेगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, और ये बहुत ही जल्द आपको दिसंबर एंड तक लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, वीडियो मिल जाएगा, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Moto Edge S30 की तरफ से। ये दोस्तों दिसंबर के 9 तारीख को लॉन्च हो जाएगा Moto Edge X30 के साथ। Moto Edge S30 के बारे में अगर आप नहीं जानते हो, जो Moto G200 ग्लोबली लॉन्च हुआ था ना, वही चाइना में Moto Edge S30 के नाम से लॉन्च हो जाएगा। वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है, मैं आपको कल के टेक न्यूज़ में बताया था ना कि Moto Edge X30 ये दोस्तों जनवरी एंड तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन एक और स्मार्टफोन Motorola इंडिया में लॉन्च करेगा, वो दोस्तों Moto G71 होगा जो फरवरी के मंथ में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, एंड मार्च के महीने में आपको Moto G200 इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। देखो यार ये जो चीज है ना, आगे पीछे हो सकता है,
फरवरी में शायद आपको मोटो जी 200 मिल जाए और मार्च में आपको मोटो जी 71 मिल जाए। लेकिन दोस्तों आपको पहले ही क्वार्टर में ये तीनों स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल तो अभी इतने इन्फॉर्मेशन है, कुछ और अगर पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और एक और बात, मोटो का एक ग्लोबल लॉन्च भी होगा, शायद चाइना में लॉन्च करेगा नहीं तो ग्लोबली लॉन्च करेगा अपने एक नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को। उसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो पता चला आपको बता दिया मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है गूगल पिक्सल 6a की तरफ से। इसके एल्यूमिनियम डमीज के दोस्तों लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लो यार, आपको स्मार्टफोन ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल गूगल पिक्सल 6 सीरीज के जो डिवाइसेस है ना वैसे ही दिखाई देगा, बस स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया जाएगा और कुछ भी नहीं यार। मैं आपको वीडियो बना के ऑलरेडी सब कुछ बता दिया हूँ, आई बटन भी दे दूंगा, जाके क्लिक करके देखना। इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में भी बताया हूँ और सब इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, जल्दी जाओ देख लेना, बिल्कुल स्मार्टफोन वैसे ही रहेगा यार, बस स्पेक्स थोड़े से बदल दिए जाएंगे और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम पे दोस्तों जो लिंक स्टिकर्स होते हैं ना उनके दोस्तों अब एक नए फीचर्स आ चुके हैं। अब दोस्तों आप लिंक स्टिकर्स का शेप बदल सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, मतलब कि अपने मन से कस्टम लिंक वाले जो दोस्तों टेक्स्ट होते हैं उनको बना सकते हो। तो काफी अच्छा ये फीचर है, जाओ इंस्टाग्राम को अपडेट कर लो, ये फीचर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे ना यार आपका दिल खुश हो जाएगा। एप्पल दोस्तों अगले साल अपने जितने भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा, चाहे आईफोन्स हो गए, चाहे आईमैक हो गए, आईपैड्स हो गए, जो उसके वॉचेस हो गए, मैकबुक्स हो गए, सबका दोस्तों डिजाइन चेंज करके लॉन्च करेगा। सारे के सारे आपको एक फ्रेश डिजाइन के साथ लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, नया डिजाइन, नया लुक्स, नए स्पेसिफिकेशंस। एप्पल बहुत अच्छा काम करेगा अगर ऐसा कर दिया तो वो, एंड बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि बहुत बड़े बड़े टिप्सर्स इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दिए हैं। इसी वजह से दोस्तों आईफोन 14 सीरीज के आईफोन्स आपको नए डिजाइन के साथ दिखाई देंगे, पंच होल होगा नीचे, बहुत ही कम चीन होगा, बेजल लेस डिस्प्ले होगा। इसी वजह से दोस्तों लग रहा है कि एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अगले साल आपको रिवैम्प यानी कि एकदम नए लुक्स के साथ दिखाई देंगे। एक्साइटेड हो कमेंट करके बताना मेरे को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग दोस्तों आज अपने एक नए कैमरा टेक्नोलॉजी को अनवील कर दिया है स्मार्टफोन्स के लिए। इसका नाम दिया है वो ह्यूमन लाइक आई। इसके अंदर आपको RGBW पिक्सल्स देखने को मिलेंगे, GWB टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि रात को दोस्तों जो आप फोटोज लोगे ना काफी अच्छे आएंगे। जो ओप्पो रेनो 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे ना, ओप्पो का एक नया कैमरा टेक्नोलॉजी आया था सोनी के साथ मिलकर, कैट आई लेंस, उससे काफी ये दोस्तों सिमिलर है। और टेक्नो के स्मार्टफोन्स में आपको सबसे पहले ये जो टेक्नोलॉजी है सैमसंग का देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कुछ और अगर पता चलेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है वीवो की तरफ से। वीवो का दोस्तों जो एक्सटेंडेबल रोलेबल स्मार्टफोन नहीं था जिसके मैं आपको पेटेंट्स दिखाया था एक हफ्ते पहले, उसके दोस्तों रेंडर्स आ चुके हैं, लेट्स गो डिटेल क्रिएट किया है, देख लो यार आपको ये स्मार्टफोन ऐसा दिखाई देगा, देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। बस मेरे को वीवो से यही उम्मीद है कि जब भी इस स्मार्टफोन को वो लॉन्च करे तो कॉन्सेप्ट फोन बना के लॉन्च ना करे, कमर्शियली अवेलेबल कर दे, जैसे कि ओप्पो X2021 के साथ हुआ था, बस खाली ओप्पो दिखा के रख दिया था, उसको लॉन्च किया ही नहीं। वैसे आपको देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और इसको अगले साल के अंत तक Q4 2022 तक इसको अनवील करेगा। अब देखते हैं कुछ अगर पता चलेगा तो बताता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है Honor 60 SE की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले Honor 60 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे, वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो, अनबॉक्सिंग भी किया था मैं, 1 तारीख को लॉन्च हुए थे। अब दोस्तों Honor 60 SE भी लॉन्च होने वाला, इसके दोस्तों रेंडर्स आ चुके हैं, देख लो यार, बिल्कुल आईफोन 12 सीरीज और आईफोन 13 सीरीज के आईफोन्स के जैसे दिखाई दे रहा है। जो कैमरा हाउसिंग है बिल्कुल आईफोन 12 प्रो 13 प्रो के जैसा है यार। इसको खरीदने में मजा आएगा क्योंकि आईफोन का फीलिंग आ जाएगा। देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, मजा आ गया देख के यार, डिजाइन काफी अच्छा है। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट, आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 90 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस गेट करता रहता हूं, रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। We'll be right back.